सैड जुलाई की तैयारियों में लगे छठी के बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आप डिमांड कर रहे हैं कि सर मैथ के साथ साथ अन्य विषयों के भी आपने भेजे, तो हिंदी का भी भेजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है सैट की परीक्षा में। आपके टीचर आपका प्रश्न पत्र बना रहे हैं और ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इससे उनको और आपको दोनों को आसान होने वाला है। वो जानते हैं कि आपका लेवल क्या है। अब कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, बल्कि आपकी क्लास के अध्यापक ही आपका पेपर बना रहे हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह का पेपर आपका आएगा, एक एक नंबर के कितने, दो के कितने और तीन के कितने आएंगे, टोटल कितने प्रश्न होंगे। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी में कितने प्रश्न आएंगे, तो 1 से 10 तक एक एक नंबर के, 11 से 12 दो नंबर का और 13 और 14 तीन का। अब प्रश्नों का लेवल क्या होगा डिफ़िकल्टी का, ये आप देख पा रहे हैं। 5 MCQ होंगे, ठीक है। 6ठा 7वां खालिस्तान हो सकता है, सही विकल्प हो सकता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर 8, 9, 10 की तरह यहाँ पर एक दो शब्दों में पूछे जा सकते हैं। 11वां 12 दो नंबर का होगा, तो 20 से 30 अंकों में इनके आपको उत्तर देने होंगे। और 13वां और 14वां थोड़े तीन नंबर के हैं, तो इस कारण 30 से 40 अंकों में आपको आंसर देना होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको करने होंगे। उम्मीद है कि छठी क्लास के बच्चों को हिंदी के सेट के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। यदि अभी कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में देखिए, समाधान किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों में भेजना, लाइक खुद भी करना, उनको भी बोलना कि लाइक करें। ज्वाइन कर लो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, आपको जो है लेसन फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाए करेंगे। इस नंबर पर अपना ये सब भेज दीजिए। ऑल द बेस्ट।